हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड है स्टूडेंट्स एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द गिवन क्लाइमेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी जगह पर रहने के लिए वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार एनिमल्स के अंदर कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी होता है, कुछ फीचर्स का होना जरूरी होता है और कुछ हैबिट्स का होना जरूरी होता है। ऐसी क्वालिटीज, ऐसे फीचर्स और ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना किसी जगह पर रहने के लिए वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। यहाँ पर हम पोलर बियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन के ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए पोलर बियर ने अपने अंदर कुछ फीचर्स को डेवलप किया, जैसे कि उसके स्किन के ऊपर बालों की डबल लेयर होती है और उसके अंदर फैट भी बहुत ज़्यादा होता है स्किन के नीचे, और उसके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत चौड़े और बड़े होते हैं। इन सब फीचर्स को डेवलप करने के बाद पोलर बियर ने अपने आप को एडेप्ट कर लिया पोलर रीजन में रहने के लिए। अब हम सेकंड कीवर्ड करेंगे। सेकंड कीवर्ड है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ऑफ एट लीस्ट 25 ईयर्स। यानी के किसी जगह के पिछले 25 साल के वेदर पैटर्न को क्लाइमेट कहा जाता है। अगर आपको किसी जगह के क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि साल के किसी महीने में उस जगह पर किस तरह का वेदर होता है। अब हम थर्ड कीवर्ड देखेंगे। थर्ड कीवर्ड है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी वेदर किन चीजों से मिलकर बनता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, इन्हीं सबको एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहा जाता है। इन्हीं सब चीजों से मिलकर वेदर बनता है। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे। फोर्थ कीवर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। यानी के एयर में मॉइस्चर की प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मॉइस्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉइस्चर होता है एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर में वाटर के पार्टिकल्स की प्रेजेंस को मॉइस्चर कहा जाता है। अगर मॉइस्चर हाई है, यानी अगर हवा में पानी के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी, और अगर मॉइस्चर कम है, यानी हवा में पानी के पार्टिकल्स कम है, तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन परसेंटेज। ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में नापा जाता है। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे। फिफ्थ कीवर्ड है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दिन के दौरान जो हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, उसे ही हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। यानी के दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, जनरली वो दोपहर के समय होता है। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे। सिक्स्थ कीवर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कुछ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। यहाँ पर हम आपको पोलर रीजन में रहने वाले बर्ड्स का एग्जांपल देते हैं। जब पोलर रीजन्स में विंटर का सीजन आता है, तब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उस जबरदस्त ठंड से बचने के लिए जो पोलर रीजन में जो बर्ड्स रहते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और ऐसी जगहों पर चले जाते हैं विंटर सीजन के लिए जहां पर ठंड कम होती है, और जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है, तब वो वापस पोलर रीजन में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। अब हम सेवेंथ कीवर्ड देखते हैं। सेवेंथ कीवर्ड है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। यानी के दिन के दौरान जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, उसे ही मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी के मिनिमम टेम्परेचर जनरली सुबह के समय होता है।
अब हम एट्थ कीवर्ड देखेंगे। एट्थ कीवर्ड है पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होते हैं? पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अर्थ के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो रीजन होते हैं, वहां पर जो जगह होती हैं, उन्हें पोलर रीजन्स कहा जाता है। अब हम नाइन्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। नाइन्थ कीवर्ड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड जनरली अराउंड द इक्वेटर, यानी के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली इक्वेटर के पास होते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनशाइन एंड मोर रेनफॉल। और जो प्लेस इक्वेटर के पास होते हैं, वहां साल भर सनशाइन भी ज्यादा रहती है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। दिस मेक्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट एंड ह्यूमिड। इसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हॉट और ह्यूमिड होते हैं, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड होता है, क्योंकि यहाँ साल भर टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और रेनफॉल भी ज्यादा रहती है। अब हम 10th कीवर्ड देखेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि इक्वेटर के पास होते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट जनरली हॉट रहता है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनशाइन एंड मोर रेनफॉल, यानी के जो प्लेस जो जगहें इक्वेटर के पास होती हैं, वहाँ सनशाइन भी ज़्यादा रहती है और रेनफॉल भी ज़्यादा रहती है। यानी कि इक्वेटर के आसपास की जो जगह होती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। दिस मेक्स ट्रॉपिकल रीजन हॉट एंड ह्यूमिड। इसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन हॉट एंड ह्यूमिड होता है। अब हम 11th कीवर्ड देखेंगे। 11th कीवर्ड है वेदर। वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर। यानी कि किसी जगह पे एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, उसे हम वेदर कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि तेज धूप निकली हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि वेदर हॉट है, और उसके थोड़ी देर बाद अगर काले बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, तो आप कहेंगे कि अब वेदर रेनी है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, यानी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर वेदर बनता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।